नमस्कार, वेलकम टू अंजलि किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है और ये कच्चे आलू से बनाई है, तो इसका नाम है आलू का चिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सामग्री इसके लिए ली है। इसके लिए हमने 3 कच्चे आलू लिए थे और उसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा 2 टीस्पून। बाद में हम डालेंगे ये चने का आटा है बेसन, ये डालेंगे 2 टीस्पून। इसे हम कम ही डालेंगे तो क्रिस्पी हो जाता है। बाद में हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, मसाले डालेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून ही डालेंगे क्योंकि हमें इसमें हरी मिर्च डालनी है, धना जीरा पाउडर ये 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें, और एक चिली फ्लेक्स है इसमें भी हम थोड़ा सा डाल देंगे चिली फ्लेक्स, इससे टेस्ट अच्छी लगेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। बाद में हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस, नींबू के रस से स्वाद और अच्छा आएगा। और अब बाकी है इसमें डालना नमक, नमक इसमें हम डालेंगे, इसमें आमचूर पाउडर है तो नमक थोड़ा सा कम ही लगेगा क्योंकि इसकी बनते हुए क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे तो एक जैसे मसाले सब जगह लग जाएंगे। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई पैन में इसका चिला बना लेंगे। अब ये हमारा घोल बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसका चिला बनाएंगे। फ्राई पैन रखेंगे गैस के ऊपर, इसको हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, इस तरह से पूरे फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे। इसको थोड़ा हम गर्म होने देंगे, अब हम इसमें इस तरह से डालेंगे, इस तरह से देखिए, और इसको 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढककर रखेंगे। 2 मिनट इसको होने देंगे, देखते हैं। अब ये थोड़ा सा बाकी है ना, ये जो तेल है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, मतलब हमारा जो तेल है वो वेस्ट नहीं जाएगा, यही हम इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। मस्त दोनों इस साइड से भी हम ब्राउन कलर आने तक इसको होने देंगे, ढक्कन
देखते हैं। देखिए मस्त अपना आलू का चीला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा चीला, दूसरा भी हम इस तरह से बना लेंगे। अब हमारा ये कच्चे आलू का जो चीला है ये बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी चीला हुआ है। और ये जो चीला है ये हम सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और ये जो मिक्स ग्रीन चटनी है इसके साथ ये चीला और भी टेस्टी लगता है। ये मिक्स ग्रीन चटनी है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए।